खैरियत से होंगे। हाल ही में मैंने जुगाई का 902 में हेलमेट परचेज किया है, तो सोचा उसका फीडबैक, उसका रिव्यू, इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। इंतहाई आउट क्लास, कम अज़ कम मुझे तो बड़ा मज़ा आया है हेलमेट लेके। मैंने पहना है, मैंने इसका सर्विस में सफ़र किया है, आउट क्लास। तो इसकी मैं कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ। जिकाई 902 डॉट सर्टिफाइड, जैसे कि आप ये चीज़ करना इनका मनो देख रहे हैं, डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है। इसके अलावा जो फ्लिप अप मोड इसका है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है इसकी तरफ, और लोग जो है ना प्रेफर भी करते हैं फ्लिप अप मोड में जो हेलमेट होते हैं। फ्लिप अप मोड लॉक इसके, जैसा कि ये वाल के साथ आपको लग रहा है, इसका जो पुश बटन है वो ये चिन कर्टन के साथ लगा हुआ है। ये आप प्रेस करेंगे तो ये आपको जो फ्लिप अप है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद चिन अप कर्टन का मैं आपको बता दूँ, बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने डस्ट से बचने के लिए और सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मेरे ख्याल में लगाया है, क्योंकि जब मैंने इसे पहन के मैंने यूज़ किया तो उसमें किसी भी किस्म की हवा अंदर नहीं आ रही, और उसके बाद सर्दियों में ये बहुत बेहतरीन है। जहाँ तक गर्मी की बात की जाए तो उसके लिए उन्होंने एयर वेंट्स दी हुई हैं, ये आप यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं, ये क्लोज हो गए, ये ओपन हो गए, दो उन्होंने फ्रंट पे दिए, एक फ्रंट पे दिए, दो उन्होंने टॉप पे दिए हैं। जैसे ये इसके अलावा उन्होंने एग्जॉस्ट मोड यहाँ पे उन्होंने किया है, एग्जॉस्ट विंडो कह सकते हैं इनको, ये इन्होंने इंस्टॉल किया यहाँ पे। इसका जो सबसे बेहतरीन फीचर है, मुझे जो पसंद है वो ये है कि इसके जो पैड हैं वो वॉशेबल पैड हैं, इजीली रिमूवेबल, आप इनको उतार के इनको धो सकते हैं। मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा लार्ज परचेज किया था। उसके बाद आते हैं इनके वाइज़र की तरफ, मेन वाइज़र है, दो वाइज़र उन्होंने दिए हुए हैं। जो फ्रंट वाइज़र है वो इसका स्क्रैचलेस है, जो सेकंड वाइज़र है उसका उन्होंने स्टार्ट साइड पे ये बटन दिया हुआ है। तो ये बहरहाल मार्केट में इसका रेट नॉर्मली अभी चल रहा है 9000 पे, मैंने जिस टाइम परचेज़ किया था वो 8500 था, 8500 कम अज़ कम मुझे तो बड़ा पसंद आया। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये जो दोस्त हेलमेट लेना चाहते हैं, 902 आउट क्लास है, 1300 ग्राम कंपनी की तरफ से इसका वेट बताया गया, लेकिन एक्चुअल में इसका जो वेट है वो 1600 ग्राम है। बहरहाल फिर भी ये इतना इसका वेट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, फीडबैक अपना दीजिएगा, चैनल में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा मियां वाली राइडर्स क्लब का जो पेज है उसको आप लाइक करें।